अम्मा मुझे याद करना कब भूलेगी? एक लास्ट। इधर आओ, बात सुनो मेरी। आ रही हूँ, आ जाए, नाश्ता तैयार है। बस आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। सारा कहीं तुम जा रही हो? जी भाई, वो देखो अगर तुम किसी दोस्त के यहाँ जा रही हो तो शाम को चले जाना, मैं आज ऑफिस से लेट हो जाऊंगा। नहीं, किसी दोस्त के यहाँ नहीं जा रही। आप नाश्ता करें ना, नाश्ता ठंडा हो रहा है। अच्छा, अगर दोस्त के यहाँ भी जाना है तो कहाँ जा रही हो? भाई एक्चुअली एक बहुत अच्छी फर्म है और वहाँ पे एक वैकेंसी आई हुई थी और मैंने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है। मैंने उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मेल कर दिए थे और आज इंटरव्यू के लिए जाना है, तो आप मुझे ड्रॉप कर देंगे? और तुमने मुझे बताया भी नहीं मुझे कौन सा सिलेक्ट हो जाना है। मैंने सोचा कि अगर रिजेक्ट होगी तो खामखा आपके आगे शर्मिंदा होंगी, इसलिए नहीं बताया। आप नाराज हो गए? हाँ नाराज। भाई प्लीज। देखो सारा, तुम्हें जॉब करने की जरूरत नहीं है, मैं नौकरी कर रहा हूँ ना, हमारा गुजारा हो जाता है। बस मुझे एक अच्छे रिश्ते की तलाश है, कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए तो मैं तुम्हारी शादी कर दूँ। भाई प्लीज, मुझे शादी नहीं करनी, बल्कि मुझे अभी अपने लिए एक अच्छी सी भाभी तलाश करनी है। भाई मैं जानती हूँ कि अम्मी अब्बू के दुनिया से चले जाने के बाद आपने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस होने ही नहीं दी। मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरी हर ख्वाहिश हर ज़रूरत को मेरे कहने से पहले ही पूरा कर दिया। अब आपकी बारी है, जिंदगी की हर एक खुशी पे मेरे भाई का भी हक है। पगली। भाई आपने खांसी का शरबत नहीं पिया ना? मैं भूल गया, मैं वैसे भी पी पी के थक गया हूँ, खुद ही ठीक हो जाएगी। और हाँ, ये अब तुम नौकरी की परवाह नहीं करना, तुम मुझ पे बोझ नहीं, समझी? बैठो। भाई आपको पता है आपने अपना हर फर्ज बाखूबी निभाया और मुझे आप पे फख्र है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अब अपने भाई का थोड़ा सा हाथ बटाऊं, उनका बोझ थोड़ा सा कम कर सकूं। प्लीज भाई, प्लीज मुझे इजाजत दे दें। प्लीज 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 प्लीज। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। थैंक यू सो मच। वेलकम। अच्छा नाश्ता तो करूं? नहीं, क्योंकि मैं नाश्ता कर चुकी हूँ। आप जल्दी से नाश्ता कर लें वरना हम दोनों लेट हो जाएंगे। Okay. Thank you, भाई। You're welcome. मैं तेरा किचन देख। ये क्या? फिर कबाब बना रही हो? पूरे मोहल्ले को बांटने क्या? हर वक्त मुंह से जहर ही उगलना। अल्लाह ने जबान दी अच्छा अच्छा बोलने के लिए, लेकिन नहीं, तुमने तो कसम खाई हुई है कि अच्छा बोलना ही नहीं है, जहर ही उगलना है इससे। इसलिए मैं कुछ बोलती नहीं, आपको तो मेरी हर बात बुरी लगती है। बात सुनो, ये लाल लिपस्टिक लगा के, गालें लाल करके, काजल लगा के दीवारों का दाएं दिखाती हो, क्या करती हो बंद कमरे में? नहीं, जिन भूतों को, ये जो जिन्नों भूतों वाला मेकअप किया हुआ ना, उन्हीं को पसंद आ सकता, किसी इंसान को तो नहीं। ये पाँव पटकने के लिए नहीं बुलाया था, इधर आओ, काम के लिए बुलाया है। तो बता भी देना काम क्या है, और अगर किचन का कोई काम है ना तो मैं नहीं करूंगी। भाई वो तो मुझे पता है, किचन के कामों से तुम्हें मौत पड़ती है, सिर्फ खाना ठूसना आता है और कुछ नहीं आता।
अगले घर जाके पता नहीं ये लड़की क्या करेगी। जो भी करूंगी ना आपके आगे आके रोऊंगी नहीं। ये तो वक्त बताएगा बेटा जी कौन किसके पास आता और कौन नहीं आता। रोऊंगी नहीं। शाम को रूबी की सास आ रही है, मुझे लगता है शादी की तारीख लेने आ रहे हैं। जब देखो मुंह उठा के आ जाती है। दिया कंट्रोल, सामान काट दूंगी तुम्हारी, कंट्रोल करो अपने आप को। अच्छा भाई अब वो आ रही है तो मैंने क्या करना है? तुमने ड्राइंग रूम साफ करना है। आई समझ में बात? पूरे ड्राइंग रूम को सेट करो। रूबी घर में होती है तो मुझे किसी किस्म की फिक्र ही नहीं होती। उसने भी फूफी के घर जाके अभी बैठना था। और ना सामान कंट्रोल में रखना, कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए भैया, वरना बुरा हशर करूंगी तुम्हारा। छोड़ दे, पता नहीं कब सुधरेगी ये लड़की। बिल्कुल ही बदतमीज है, तमीजी नहीं है बात करने की। बॉस भी मैं हूं। और मालिक भी मैं। बस किसी को शक नहीं होना चाहिए। और वो आबिद साहब? वो बुड्ढा लंदन जाने से पहले मुझे यहां का ऑल एंड ऑल बना कर गया था। तो इसका मतलब कि कंपनी अब सिर्फ मेरी। लेकिन वो तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। हाँ टुकड़ा है, पर वो मुझे अटॉर्नी बना कर गया था और उसकी गैर मौजूदगी में मैंने पक्के पेपर्स बनवा लिए। तो उन पेपर्स में कोई लूपहोल, कोई झोल नहीं। क्या बात है यार, इसका मतलब तूने सारे काम प्रॉपर किए हैं। तेरी जहानत तो शुरू से ही काबिले रश्क है। इसलिए तो कह रहा हूँ ट्रस्ट में कुछ नहीं होगा। और इस बुड्ढे का वैसे ही दिल कमजोर, हार्ट सर्जरी में मारा जाएगा। अगर नहीं मारा गया तो ये सुन के मारा जाएगा कि उसकी कंपनी मेरी। लेकिन एक सेकंड, उसका एक बेटा भी तो है शायद, वो जो लंदन में है। हाँ है, उसने उसको डिसोन कर दिया, उसने किसी गोरी मेम से शादी कर ली थी। ओ, मतलब तूने सारे काम प्रॉपर किए हैं, कोई गड़बड़ नहीं। इसीलिए तो कह रहा हूं कोई गड़बड़ कोई मसला नहीं हुआ, मैंने कभी कच्चा काम नहीं किया। अपना यार रहे इस कुर्सी पर ता कयामत, फिर तो यारों के मजे ही मजे। अच्छा सुन, इस ऑफिस में तूने सब पे नजर रखनी है और हर पल की रिपोर्ट मुझे देनी है। आई ट्रस्ट यू। तू फिक्र मत कर। थैंक यू। नादिर साहब का रूम ये रहा। थैंक यू। मैं कम इन सर। कम इन। माय नेम इज सारा एहसान। Have a seat. Oh, thank you. मैंने आपको अपने सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स मेल कर दिए थे। Of course. क्या नाम बताया आपने? सारा एहसान। सारा एहसान। Very nice. Impressive. आपका एजुकेशनल रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है। इससे पहले कहीं जॉब की? नहीं, एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है। और आखिरी? सॉरी? नथिंग?
बिल्कुल। भाई भाई आप इतनी जल्दी ऑफिस से कैसे आ गए? कब आए आप? हाँ बस अभी थोड़ी देर ही हुई है। आपकी तबीयत? नहीं आपकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्या हुआ है? बस वो ऑफिस में पहले चक्कर आया, फिर तबीयत थोड़ी खराब सी हुई तो मजबूरन छुट्टी लेकर आ गए। चलें डॉक्टर के पास चलते हैं, पता नहीं बुखार वगैरह ना हो। आप ना अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते भाई, जितनी भी तबीयत खराब हो डॉक्टर के पास नहीं जाते आप। अरे सांस तो ले लो, मैं आते भी डॉक्टर के पास से होता हूँ और ये देखो मेडिसिन भी लेता हूँ आया। अच्छा क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, उसने कहा बीपी थोड़ा सा हाई है और हार्ट बीट भी आपकी नॉर्मल नहीं है, इंजेक्शन लगाया और ये दवाई दी है, कहा 2-3 दिन खाने के बाद दोबारा आइएगा। भाई आप दवाई के मामले में ना बहुत लापरवाही बरतते, आज से तय हो गया मैं ही आपको दवा दिया करूंगी। अच्छा बाबा ठीक है, ये बताओ तुम्हारा इंटरव्यू कैसा हुआ? वो तो मैं भूल ही गई बताना, मुबारकबाद दे मुझे, मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, कल से तो ज्वाइनिंग भी है, आप जानते हैं ऑफिस का माहौल बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छे हैं और बॉस वो भी बहुत अच्छी तबीयत के हैं, मैं खुश हूँ भाई। देखो जरा मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम जॉब करो, मुझे तुम्हारी शादी की फिक्र है। इस तरह खामखाई की फिक्र से अपनी तबीयत मत खराब किया करें, मुझे लगता है कि वक्त आने पर हर चीज हो जाती है। अब मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ क्योंकि दवाइयाँ भी खानी हैं, और मैं तो कह रही हूँ कि आप ऑफिस से छुट्टी ले लें और रेस्ट करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बहुत दिनों बाद चक्कर लगाया आपने। हाँ बस घर से निकलना नहीं होता, आज भी बड़ी मुश्किल से निकली हूँ। आज तो जरूर जाना है आपके घर। अच्छा किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बिया तो बहुत प्यारी हो गई है, बैठो बेटा। अच्छा ये ले जा। पढ़ाई तो मुकम्मल हो गई ना बिया की? जी जी माशाल्लाह से इसने इंटर कर लिया है, आगे पढ़ाई की जिद कर रही थी लेकिन मैंने कहा नहीं भाई अब आगे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, घर में बैठो घरदारी सीखो, अब रूबी की शादी होगी तो वो तो माशाल्लाह से अपने घर चली जाएगी तो घरदारी कौन संभालेगा, रूबी ने तो पूरा घर संभाला हुआ था। हाँ भाई रूबी तो माशाल्लाह बहुत सलीकाशार और सुगढ़ बच्ची है। एक बात है वैसे आपने अपनी बच्चियों की ना तरबियत बहुत अच्छी की है, वरना आजकल के ज़माने में ऐसी लड़कियाँ कहाँ होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बेटियों की माँ हूँ, बेटियों की माँ को तो हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है, रूबी ने तो बहुत जल्दी सब कुछ सीख लिया था, बस भैया थोड़ी लेट हो गई, ये भी सीख ही लेगी। हाँ सीख लेगी भाई, अभी बहुत वक्त पड़ा है, असल में घर में सबसे छोटी है ना, आपको तो पता है छोटा बच्चा लाड प्यार में थोड़ा ऐसा हो ही जाता है, सर पे पड़ेगी तो सब आ जाएगा। हाँ भैया आंटी को कबाब दो ना बेटा। अरे हाँ जी बस सारे घर के छोटे एक जैसे ही होते हैं, लाड प्यार में ऐसे ही रहते हैं। अब देखे ना मेरे जुबैर ने पढ़ाई मुकम्मल करते ही फौरन नौकरी कर ली थी, लेकिन यासिर ने पढ़ाई के बाद कई साल ख्वारी उठाई है तो अब पिछले महीने जाके उसकी नौकरी पक्की हुई है तो मैंने सुकून का सांस लिया है। माशाल्लाह ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, बस हमारे बच्चों के अल्लाह नसीब अच्छे करे, माएँ तो बस दिन रात यही दुआ करती रहती हैं। सही कह रही हैं आप, माएँ तो हर वक्त अपनी औलाद के लिए दुआएं मांगते हैं। वैसे आज मैं आपके पास एक खास मकसद के लिए आई थी, अब देखे ना मेरे माशाल्लाह दोनों बेटे बरसरे रोजगार हो गए तो मैं चाह रही हूँ कि शादी भी दोनों की साथ ही कर दूँ। ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने, कोई लड़की वड़की देखी आपने? हाँ मैंने लड़की देख भी ली है और पसंद भी कर ली है, मैं बिया का हाथ अपने यासिर के लिए मांगती हूँ आपसे, आपको कोई एतराज तो नहीं है? नहीं नहीं मुझे क्या एतराज होगा। मुझे है एतराज। भैया बेटा बड़े बात कर रहे हैं। लेकिन ये मेरी जिंदगी का फैसला कोई और तय क्यों करेगा? भैया मैं तुम्हारी माँ हूँ कोई और नहीं हूँ, और हर फैसला करने का हक रखती हूँ। आज तक तुम्हारे लिए कोई गलत सोचा जो अब सोचूंगी? चलो शाबाश अपने कमरे में जाओ, मुझे आंटी से बात करनी है। आपके बेटे की नौकरी लगी चंद हजारों की है ना, और आप रिश्ता लेने के लिए आ गई, आपको लगा मैं फालतू हूँ बेकार हूँ, रिश्ते का सुन के मैं नाचने लगूंगी है ना?
ये क्या कह रही है? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? जो मुंह में आ रहा बोले चले जा रही हो। जाओ अपने कमरे में। भैया तुमने सुना नहीं क्या कहा है मैंने? अपने कमरे में जाओ। मुझे भी रुकने का कोई शौक नहीं है। और आंटी कान खोल के मेरी एक बात सुन ले, मुझे नहीं करनी आपकी यासिर वासिर से शादी। मेरी तरफ से साफ इनकार है। और अगर किसी ने भी मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं ऐन निकाह के वक्त पे इनकार कर दूंगी। याद रखिएगा, यासिर से कर लो शादी। नजमा बहन, आप कहां जा रुके तो नजमा बहन। ये क्या किया तुमने? तमीज नहीं है तुम्हें? अगर तुम्हारी काली जबान का साया मेरी बेटी पर पड़ा ना तो मैं दूध नहीं बख्शूंगी, जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी तुम्हें। बस कर दे अम्मी, अल्लाह आपको माफ नहीं करेगा जो दोनों बेटियों में फर्क कर रही है। एक बेटी के चक्कर में दूसरी बेटी को कुर्बान कर दो, कहां लिखा है? गला दबा दूंगी तुम्हारे में। तमीज नहीं है बात करने की तुम्हें, बिल्कुल हाथ से निकल गई हो तुम। क्या कुर्बानी दे रही हो तुम? अच्छा रिश्ता घर बैठे मिल रहा है तुम्हें, मुफ्त की नेमतों की नाशुक्रिया है। मुझे मुफ्त का रिश्ता नहीं चाहिए। कल के रोने से बेहतर है कि मैं आज रो लूं। बिया, बहुत डर लग रहा है मुझे, कहीं तुम्हारे बड़े बोल तुम्हारे आगे ना आ जाए। मत उड़ो इतना कि तुम्हारे पर कट जाए। बद्दुआएं दे रही है मुझे। हाँ फिक्र नहीं करे, मैं बहुत ढीठ हूं, कोई बद्दुआ नहीं लगेगी मुझे। शाह मेरे मालिक, इस लड़की को हदायत दे दे। मैं कम इन सर। कम इन। जी सर, आपने बुलाया था। आप वहीद साहब से मिल लें, उनसे एडवांस ले लें, मैं उनको फोन कर देता। नहीं सर, मेरा मतलब है किस लिए? कपड़े ले लीजिएगा, आजकल के फैशन, आजकल के स्टाइल के हिसाब से, और वही पहन के आइएगा ऑफिस। आई एम रियली सॉरी सर, लेकिन मुझे इस तरह के सादा कपड़े पहनना पसंद है। आपकी पसंद किसने पूछी? मैंने तो नहीं पूछी। कल से मॉडर्न, आजकल के हिसाब से जिस तरह सब पहनते हैं उसी तरह के कपड़े पहन के आए। जी सारा, आज आपका पहला दिन था, आप लेट हो गई, खैरियत? एक्चुअली सर वो मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं थी और वही मुझे पिक एंड ड्रॉप करते हैं। वो आज अपने दफ्तर भी नहीं गए और मुझे ड्रॉप भी नहीं किया और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आना पड़ा, इसलिए लेट हो गई। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, कल से इंशाल्लाह ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कल से बिल्कुल ऐसा नहीं होगा क्योंकि ऑफिस की गाड़ी आपको पिक करेगी और ऑफिस की गाड़ी ही आपको ड्रॉप करेगी। पंक्चुअलिटी के मामले में मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, हम सब इक्वल्स हैं, दोस्ताना माहौल में काम करते हैं, तो मुझे आप उसी तरह ट्रीट किया करें। जी मैं जाऊं? ऑफ कोर्स। नजमा बहन, ये क्या कह रही हैं आप? मेरी रूबी तो लाखों में एक है, सबका ख्याल रखने वाली फर्मा बरदार बेटी है मेरी। आपने पहले तो कभी नहीं कहा था कि आप दोनों बेटों की एक ही घर में शादी करेंगी। देखें, मेरा तो पहले दिन से ही इरादा था इस बात का, लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि सारा मामला खुल के सामने आ गया। देखी थी आपने अपनी छोटी बेटी की जबान और लच्छन? अरे मेरे बेटे तो सारी जिंदगी इसी धोखे में मारे जाते। अच्छा मेरी बात सुने, मैं आपकी तरफ आती हूँ, बैठ के बात कर ले। कोई जरूरत नहीं है आपको मेरे घर आने की। मेरी तरफ से साफ इनकार है आपकी बेटियों के लिए, मैंने अपने बेटों का रिश्ता कहीं और कर दिया है। और प्लीज आज के बाद मुझसे दोबारा रابطہ करने की कोशिश मत कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। मेरी बात सुने। हेलो खा गई अपनी बहन के नसीबों को, कितनी खुदगर्ज़ हो तुम।
पूरे 1.5 साल की मंगनी तुम्हारी वजह से रूबी की टूट गई। बहुत ढीठ हो, कोई असर हुआ तुम्हें या नहीं हुआ? ये तो दिन ही फिर गए। कैसी शान से आती जाती है इतनी बड़ी गाड़ी में, जैसे कोई बेगम साहिबा हो और एक मैं घर में सड़ी रहती हूँ। मुझे इसके दफ्तर में जॉब मिल जाए तो सबसे पहले वहां से इस मैडम का पत्ता साफ करूंगी। अगर भाई की तबीयत ठीक होती तो मैं उस दफ्तर में कभी जॉब ना करती। सर की नजरें कितनी गंदी हैं, इन आती है उन्हें देख के। खैर मुझे क्या, मुझे वहाँ सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करना है। इस मामले में मैं किसी तरह से भी उनकी हौसला अफजाई नहीं करती। भाई को पता चल जाए तो वो मुझे कभी भी जॉब ना करने दें। क्या हुआ, तुम तो बच्चों की तरह डर गई। अगर आपको कोई काम था तो आप मुझे फोन पे बता देते। कह सकता था लेकिन हर काम फोन पे नहीं होता, इसलिए खुद ही आना पड़ा। तुम्हारी परफॉर्मेंस से बहुत खुश, थोड़े से दिनों में तुमने अपनी खास जगह बना ली इस कंपनी में। थैंक यू। वेल, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें प्रमोशन दे दी जाए अगले महीने, क्या ख्याल है? जैसे आपकी मर्जी। ठीक, देखते। अच्छा, हम क्या कर रही हो? घर जल्दी तो नहीं जाना? जाना है। मैंने आपको बताया था ना मेरे भाई का ऑपरेशन है, तो इसलिए डॉक्टर के साथ उसका अपॉइंटमेंट है, उसे ही लेके जाना है। Get back to work. वो मेरे बॉस है, उनकी सेक्रेटरी, उनकी बात मानना मेरी मजबूरी है। और तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो और अपने काम से काम रखो, वरना अच्छा नहीं होगा। मेरा भाई, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और उसका फौरन ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मुझे पैसे चाहिए ऑफिस लोन। कितना लोन? 10 लाख। माला